गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 15.2। पहली एक्सरसाइज मैम ने कवर करवाती थी मोस्टली। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 15.2। ओके, इज वीडियो क्लियर और नॉट? बेटा टेल मी फास्ट, इज वीडियो क्लियर और नॉट? बेटा वीडियो क्लियर है या नहीं? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 15.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 4225 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन इज देयर इज वन स्क्वायर, दैट इज अ स्क्वायर हुज एरिया इज 4225 मीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज ए बी सी एंड डी। लेट साइड इज इक्वल टू एक्स, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कह रहे हैं अपन, लेट कीता लेट लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। अपन स्क्वायर की साइड नु की लेट कर लिया बेटा, एक्स लेट कर लिया। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4225 मीटर स्क्वायर, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, दैट वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हियर वी विल राइट फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? बेटा स्क्वायर दे एरिया का फॉर्मूला की द साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 मीटर स्क्वायर। बेटा साइड एरिया ऑफ स्क्वायर किंदा, साइड द स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4225। साइड की है बेटा अपनी एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4225। जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे जाके की बनेगा बेटा, राइट हैंड साइड पे की बनेगा बेटा जाके अंडर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट। ओके, जो बेटा लेफ्ट पे पावर कितनी है 2, राइट पे जाके की बनेगी बेटा स्क्वायर रूट। स्क्रीन इज नॉट क्लियर बेटा, अपनी क्वालिटी इंक्रीज करो 720 पिक्सल पे। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4225? बेटा ये तो अजे कंसेप्ट आया नहीं है, पर देखो इन कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट डिजिट की है बेटा 5, तो 5 तो जाएगा बेटा सब तो पहला, ठीक है 5 तो गया तो अपने को कितना आ गया 845। 5 तो गया तो कितना आ गया बेटा 845। अगेन बेटा 5 तो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 169। नाउ 169 विल गो ऑन 13, सो अगेन 13 दे तो कितना आ गया बेटा 1। हुण पेयर दे विचों एक कलेक्ट करना आपां, ए बेटा पेयर बन रहा है, पेयर दे विचों एक आ गया, नेक्स्ट भी बेटा पेयर बन रहा है, पेयर दे विचों एक आ गया। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू नंबर, सो 35 जा 65 मीटर। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू मेथड, That is method to find square root. That is method to find a square root. हाँ जी बेटा, is that clear or not? बेटा that is first question. That is question number first. जिंदे विच आपां नूं बेटा स्क्वायर दा एरिया गिवन है, साइड फाइंड करनी है, सो साइड इज इक्वल टू 65 मीटर। ओके यस बेटा, यू हैव टू डू ऑन नोटबुक, तुसी नोटबुक दे ऊपर कवर करोगे। बेटा यू विल डू इट ऑन योर नोटबुक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेटा क्वेश्चन की है एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है 4225। एरिया का फॉर्मूला की होता है साइड स्क्वायर इक्वल टू 4225। जो बेटा स्क्वायर है राइट साइड से जाके की बनेगा स्क्वायर रूट,
स्केयर रूट फाइंड करना बेटा ये वाला मेथड है। पहला 5 से डिवाइड किया 845 आ गया, 845 में फिर 5 से किया 169 आ गया, 169 13 से गया था 13 आ गया, 13 नो 13 से किया था कितना आ गया बेटा 1। उसके बाद पेयर के विचो एक एक सिलेक्ट करना होता है बेटा। आप पेयर बन रहा है, पेयर के विचो 1 आ गया, ए भी बेटा पेयर बन रहा है, पेयर के विचो 1 आ गया। नाउ मल्टीप्लाई दीस टू नंबर, सो 13 5 जा 65। जदों बेटा इन्हां दी मल्टीप्लाई कीती तां जो ए वाला अपने को साइन है ए कटया जाएगा। ओके, जो ए वाला साइन लिखा है ना ए कटया जाएगा जदों आपां इन्हां दोवां दी मल्टीप्लाई कीती। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? हां जी बेटा, इज दैट क्लियर नाउ? 5 किवें आया बेटा? 5 नाल डिवाइड करना आपां इन्हां, जो नंबर है ना 4225 इन्हू बेटा 5 ते डिवाइड करांगे आपां। ओके, डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज हाफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 19 सेंटीमीटर। देखो बेटा एक रेक्टेंगल गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन दे विच की कह रहे हैं बेटा, जेड़ी ब्रेड्थ है ना लेंथ दी हाफ है, ब्रेड्थ की है बेटा लेंथ दी हाफ। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 उन्हें की क्या है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ। लेंथ नो बेटा जब 2 नाल डिवाइड करांगे तो की आ जाएगा अपने कोला ब्रेड्थ आ जाएगा। हुन आपां नु गिवन की है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ किन्नी गिवन है बेटा आपां नु, दैट इज 19 सेंटीमीटर। बेटा एक तो आपां नु दित्ती कंडीशन, कंडीशन की कह रहे हैं जेड़ी ब्रेड्थ है ना लेंथ दी हाफ है, जे लेंथ अपने कोल 20 मानदे आपां तां ब्रेड्थ किन्नी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। ओके, तो इतने वैल्यू पुट करो, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 19, द हेयर लेंथ बाय 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा लेंथ कितनी आ गई 19 मल्टीप्लाई 2, सो लेंथ इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। ओके बेटा, उन्हें की क्या है जड़ी ब्रेड्थ है लेंथ द हाफ है, तो आप ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ आप फाइंड कर ली कितनी 38 सेंटीमीटर। Now area of rectangle, area of a rectangle, so that is equal to length multiply by breadth, so length is 38 and breadth is 19, so multiply these two, so we get answer 722 centimeter square. Okay, that is 722 centimeter square. Is that clear बेटा? Question दे विच की क्या है, जेड़ी breadth है ना length दा half है, breadth अपन given है किन्नी 19, तो इस formula इस put करो बेटा, breadth जिएगा किन्ना आ गया 19, length same divide by 2, उस तो बाद cross multiply 19 2 जा किन्ना आ गया 38, then we will find only area, that is length multiply breadth, so that is 722. हां जी बेटा, इज दैट क्लियर और नॉट? बेटा क्वेश्चन दे विच की कह रहा है, जेड़ी ब्रेड्थ है ना लेंथ दा हाफ है, जिन्नी लेंथ होएगी उन्हों 2 नाल डिवाइड करांगे तो ब्रेड्थ आ जाएगा। हुण ब्रेड्थ दे रखी है 19, तो लेंथ किन्नी आ गई बेटा, डबल कर दो 19 दा डबल 38, देन मल्टीप्लाई 38 विद 19, 722। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहा है बेटा, देखो अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर हैज अ पाथ अलोंग इट्स इनसाइड बाउंड्री ऑफ विड्थ 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। देखो बेटा क्वेश्चन की है, दैट इज अ स्क्वायर, ए बेटा एक स्केयर है जिंदी साइड कितनी है 15 मीटर, ईच साइड इज 15 मीटर। ओके, इन दे अंदर एक रास्ता बनया हुआ है, दैट इज द पाथ,
आ वाली चीज बेटा अपने को रास्ता है, पाथ है बेटा ये वाला अपने को, ओके जिन्हों मैं शेड किया दैट इज द रास्ता पाथ, ओके आपा बेटा इनका एरिया फाइंड करना है कि मैं आएगा। हम देखो इन दी विड्थ दे रखी है दैट इज 2.8, दैट इज 2.8, दैट इज आल्सो 2.8 एंड दैट इज आल्सो 2.8। बेटा जिवें अपनी अकैडमी है, अकैडमी के अंदर जिहड़ा अपने रस्ता है चारे पासे घूम के जाने आपां, ओके उस हिसाब नाल लगा लो। ये अपने कोल की है बेटा बालकोनी है जिथे आपां चलदे हुंदे आ, ओके आपां इहदा एरिया फाइंड करना है। इन दी विड्थ किन्नी है बेटा 2.8 2.8 2.8 एंड 2.8, ओके तो सब तो पहला बेटा आपां की लिखांगे एक्सटर्नल साइड। एक्सटर्नल का मतलब की है इस पासे तो लैके इस पासे तक ये टोटल किन्नी है बेटा 15, दैट टोटल इज 15। एक्सटर्नल का मतलब बाहरले पासे, इस बाहरले पासे तो लैके इस बाहरले पासे तक दैट इज 15 मीटर, दैट इज 15 मीटर। एक्सटर्नल किन्नी है बेटा साइड 15 मीटर। हुण आपां इंटरनल कढ़नी है आ वाली, ये किन्नी है जो ए वाली है ना बेटा ये फाइंड करनी है। इंटरनल साइड किन्नी है, इंटरनल साइड, इंटरनल नू फाइंड करन दा बेटा मैथड की है एक्सटर्नल माइनस 2 मल्टीप्लाई विड्थ। इंटरनल किवें फाइंड करदे आ बेटा टोटल दे विचों इधरों इनू माइनस कर दो इधरों नू माइनस कर दो, दो वरा विड्थ नू माइनस कर दो दैट विल बी द इंटरनल। ताकि आ गया बेटा 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2.8। पहला बेटा 2 नू 2.8 नाल मल्टीप्लाई करो सो दैट इज 5.6 और बेटा इनू माइनस करो दैट इज 9.4 मीटर। मतलब जी आ वाली साइड है दैट इज 9.4, ओके अंदरले पासे तो अंदरले पासे तक दैट इज 9.4। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। तो फॉर्मूला की है बेटा एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर, एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इंटरनल, इंटरनल स्क्वायर। बेटा वड्डे स्केयर तो जो छोटे स्केयर नो माइनस करांगे दैट विल बी द आंसर। हम देखो बेटा एक्सटर्नल की है अपने को 15 स्केयर, इंटरनल की है 9.4 स्केयर। 15 नो 15 नाल मल्टीप्लाई कीता दैट विल बी 225 एंड बेटा इंटरनल नो इंटरनल नाल मल्टीप्लाई कीता सो दैट विल बी 88.36। बेटा 15 मल्टीप्लाई 15 225, 9.4 मल्टीप्लाई 9.4 दैट इज 88.36। हुण बेटा इनू माइनस कर लो, बेटा इनू माइनस कर लो किन्ना आंसर आएगा दसो मैनू जल्दी किन्ना आएगा। बेटा माइनस करके दसो 225.00 माइनस 88.36 दैट इज 64। इत्थे बेटा 4 बच गया दैट इज 6, 136.64। बेटा माइनस करके जल्दी आंसर दसो किन्ना आया। हाँ जी बेटा टेल मी फास्ट इज दैट क्लियर। फिफ्टीन स्केयर माइनस 9 स्केयर माइनस करके कितना आ गया बेटा 136.64 मीटर स्केयर दैट इज द एरिया ऑफ अ पाथ।
वेरी गुड जसप्रीत कौर, दैट्स राइट आंसर। हाँ जी, वेरी गुड, 136.64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ स्केयर टेबल ऑफ साइड 90 सेंटीमीटर हैज अ फ्रेम ऑफ विड्थ 3 सेंटीमीटर अराउंड इट। फाइंड द आउटर एरिया ऑफ टेबल एंड एरिया ऑफ फ्रेम। देखो बेटा क्वेश्चन की है, अपने को एक स्केयर है, दैट इज स्केयर टेबल। ओके, जिंदी साइड कितनी है बेटा 90 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो 90 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो 90 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो 90। चारे साइड कितनी है बेटा 90 है। इनके आले दुआले आप कढ़ाई करती फ्रेम बनाता, दैट इज द फ्रेम। ओके बेटा, दैट इज द फ्रेम। फ्रेम की विड्थ कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दैट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, आप फ्रेम का एरिया पता करना है। हम देखो अंदरले पासे साइड कितनी है 90, ते बाहरले पासे साइड कितनी होगी 90, तो आ वाली होगी 3, इधर ऐड कर दो 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 96 सेंटीमीटर। ओके बेटा, 90 का अंदरले पासे आ 3 ए वाली 3 ए, टोटल कितनी होगी बेटा 6, 90 प्लस 6 कितना हो गया 96। हां जी बेटा, पता लग गया एक्सटर्नल साइड किवें आई। हां जी बेटा, देखो बेटा आए अपने को, मान लो अपने को 90, ये अपने को बेटा 90 है, मैं 3 इधर ऐड करता, 3 इधर ऐड करता, ता टोटल कितना हो गया 96 हो गया ना बेटा। बेटा वाली 90 इथे लेके इथे तक 3a ऐड करता, 3a ऐड करता, सो टोटल विल बी 96। हुण समझाया बेटा, टोटल विल बी 96। सेम ए भी कितना हो गया बेटा 96, ए भी कितना हो गया बेटा 96 एंड दिस इज आल्सो 96। हां जी बेटा, पता लग गया सारे पासे कितना हो गया बेटा 96 96 96। ओके हुण देखो बेटा लिखांगे की इंटरनल साइड बेटा गिवन सी एस वार, इंटरनल साइड दैट इज 90 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर, इंटरनल साइड 90 है, विड्थ कितनी है बेटा 3, तो एक्सटर्नल साइड किवें फाइंड करांगे बेटा, दैट इज इंटरनल प्लस 2 मल्टीप्लाई विड्थ। सो इंटरनल कितनी है 90 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, सो एक्सटर्नल साइड कितनी आ गई बेटा 96 सेंटीमीटर। बेटा जदो इंटरनल गिवन है तो विड्थ नु ऐड कर दो एक्सटर्नल आ जाएगी, जदो एक्सटर्नल गिवन है विड्थ नु माइनस कर दो, दैट विल बी इंटरनल। आ याद रखो बेटा, जदो दा बेटा इंटरनल गिवन है विड्थ नु 2 नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो एक्सटर्नल आ जाएगी, जदो एक्सटर्नल गिवन है विड्थ नु 2 नाल मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तां इंटरनल आ जाएगा। ओके बेटा, तो हुण आपां पता करना है एरिया ऑफ फ्रेम, एरिया ऑफ फ्रेम दैट विल बी एरिया ऑफ एक्सटर्नल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल। एक्सटर्नल दे विचो बेटा इंटरनल नु की कर दो माइनस कर दो, तो एक्सटर्नल कितना है बेटा 96 का स्केयर, इंटरनल कितना है बेटा 90 का स्केयर। 96 नु 96 नाल बेटा मल्टीप्लाई करो बेटा, 96 नु 96 नाल मल्टीप्लाई करो, हां
हाँ जी बेटा टेल मी फास्ट, 96 मल्टीप्लाई 96, व्हाट इज आंसर? बेटा 96 मल्टीप्लाई बाय 96, टेल मी फास्ट। वेरी गुड, 9216 माइनस 8100, सो दैट विल बी माइनस कर लो बेटा, माइनस करके कितना आ गया 111 16। ओके सो एरिया ऑफ फ्रेम, तो जे बेटा एरिया ऑफ, इफ एरिया ऑफ आउटर पूछा ने, आउटर का एरिया कितना आ गया एक्सटर्नल का 9216 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्हें दो चीजा पूछिया बेटा, एक तो एक्सटर्नल एरिया कितना आया, एक्सटर्नल आ गया अपने को 9216, तो एरिया ऑफ फ्रेम कितना आ गया बेटा 111 6, 1116। ओके इज दैट क्लियर बेटा? हां जी बेटा इज दैट क्लियर और नॉट? ओके जो बाकी क्वेश्चन है बेटा आप कल करांगे, क्वेश्चन नंबर 5 तो अगे आप कल करांगे। ओके ओके बाय।